high for it. Well, it is one of my favorites. In fact, a brand hai Dubai mein aur wahan pe jab bhi main jaati hu, first thing I do, I go and have cinnamon rolls there. Because I think agar hum cinnamon rolls sahi bana lete hain, to there's nothing that compares to it. Because iske andar cinnamon hai, uska jo flavor hai, wo itna tempting hota hai that it becomes irresistible. और आज मैं आपको सिखाऊंगी रोटी के साथ हम कैसे सिनेमन रोल्स बना सकते हैं विद आवर ओन ओल्ड रोटीज. तो सबसे पहले आप जो रोटी है उसको लीजिए और उसे हम इस तरीके से अरेंज करेंगे. इसमें मैं लगाने वाली हूँ बटर. पहले हम एक तरफ से बटर और एक अच्छी सी पतली लेयर में होना चाहिए, something like this. उसके बाद हम इसे थोड़ा ओवरलैप करेंगे. ये अच्छी रेसिपी है अगर आपको टिफिन में देनी हो बच्चों को भी हम बहुत पसंद है. और इनफैक्ट आप घर पे भी ब्रेकफास्ट में इसको बना सकते हैं. अगर लेफ्ट ओवर रोटीज हैं डेफिनेटली यू कैन ट्राई समथिंग न्यू विद इट. जैसे कि ये मेरी रेसिपी ऑफ सिनेमन रोल्स. यहाँ पे है मेरे पास सिनेमन. इसको मैं मिक्स करूंगी शुगर के साथ, कैस्टर शुगर के साथ. अच्छे से मिला लीजिए इसे. देखिए इसको आप हल्के हाथ से या जैसे आपको पसंद है. I love the burst of cinnamon flavor. और शुगर डेफिनेटली उसके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है. बटर बहुत अच्छे से जाता है. क्लासिक कॉम्बिनेशन. इसको हम अपनी देसी रोटी के साथ कंबाइन कर रहे हैं. अब मैं इसको सेंटर से काटूंगी. फ्लावर के शेप में है, साइड पे रख देते हैं और ऐसे ही इसको भी हम रोल कर देंगे फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर. हो गया. अब हम इसको अवन के बजाय पैन में सेकेंगे. अब हम बटर डालेंगे पैन पर. इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसे जो हमारे सिनेमन रोटी रोल्स हैं वो हम सेक देंगे. देखा, that's about it. और अब हम इसको सर्व कर देंगे. अगर आप चाहें तो फॉइल में रैप करके बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं. देयर गुड लव इट. और अब मैं इसके ऊपर सिनेमन और शुगर मिक्स करेंगे. उसे डस्ट कर देंगे.
ये लीजिए तैयार हो गए आपके सिनेमन रोटी रोल्स as delicious as can be. और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब टू शिप्रा चैनल.